कमर में गोली लगने के बाद चंद्रशेखर आजाद घायल हुए और सहारनपुर के अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। फिलहाल चंद्रशेखर ठीक हैं और आज उन्होंने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय से बात करते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती की तुलना माँ से की। कुछ लोग बात करके आशीर्वाद देते हैं, कुछ लोग बिना बात करे आशीर्वाद देते हैं। आप इस बात को समझो, माँ का प्रेम जो होता है वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, वो दिखता थोड़ा है मगर वो होता है। असल में चंद्रशेखर पर हमले के बाद राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक ने उन्हें फोन किया, हाल चाल जाना, लेकिन बीएसपी प्रमुख ने फोन नहीं किया। इसी को लेकर अभिषेक उपाध्याय ने सवाल पूछा था। जो मुझसे प्यार करते हैं, जैसे जयंत भाई ने मुझे फोन करके मेरे हाल चाल पूछे, जैसे अखिलेश भैया ने पूछे, राहुल भैया ने पूछे, सबके फोन आए, सबने पूछे। चंद्रशेखर उस दलित बिरादरी की राजनीति करते हैं जिस पर अब तक बीएसपी प्रमुख मायावती की पकड़ मानी जाती है। यूपी की राजनीति को समझने वाले कई जानकार चंद्रशेखर को मायावती का विकल्प मानते हैं और यही वजह है कि दोनों के बीच में जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो ठीक नहीं हैं। हालांकि चंद्रशेखर सियासी तौर पर अभी कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन ये भी सच है कि समाज में उनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। आज उन्होंने सम्मान के साथ मायावती को माँ बताकर समाज की सहानुभूति लेने की कोशिश की है। यूपी की राजनीति में मायावती की सियासी ताकत को समझें तो 2012 के विधानसभा चुनाव में 26%, 2014 लोकसभा चुनाव में 20%, 2017 के विधानसभा चुनाव में 22% और 2022 के विधानसभा चुनाव में 13% वोट बहन जी की पार्टी को मिले थे। मतलब ये कि अकेले अपने दम पर मायावती का सियासी ग्राफ गिर रहा है। ऐसे में अगर पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर दलितों के नेता बनते हैं तो फिर यूपी का सियासी समीकरण बदल जाएगा। पश्चिमी यूपी में करीब 27% मुस्लिम आबादी है जिस पर अखिलेश की पकड़ मजबूत है, 17% जाट हैं जिस पर आरएलडी की पकड़ मानी जाती है, करीब 25% आबादी दलितों की है जिसके नेता आजाद बनना चाहते हैं, राजपूत 8% हैं, गुर्जर 4% जबकि यादव 7%। दलितों के नेता होने का ट्रेलर चंद्रशेखर आजाद पिछले साल दिखा चुके हैं। पिछले साल के अंत में खतौली विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने आरएलडी के मदन भैया को समर्थन दिया था। जयंत चौधरी के साथ खुद चंद्रशेखर प्रचार में उतरे थे, तब आरएलडी को 97,139 वोट मिले जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 74,996 वोट। उपचुनाव में इन तीनों के गठजोड़ ने बीजेपी को हरा दिया जबकि पिछले साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस सीट पर जीती थी। कहने का मतलब ये कि चंद्रशेखर पश्चिमी यूपी में दलितों के नए नायक बनकर उभर रहे हैं। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी एक साथ उतरती है तो उलटफेर की बात भी कही जा रही है। हालांकि अभी तक इन दलों का आपस में गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाएं इस बात की जोर शोर से हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए चारों ही दल एक साथ में आ सकते हैं।